हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं कुरबान अली खान और केके टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आज हम एक जरूरी मुद्दे पे बात करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे दिए गए इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में दिए गए इस बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी नई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग क्या करते थे, अपना वीडियो जब बनाते थे उसमें फेयर यूज के नाम से किसी का वीडियो, ऑडियो या फिर इमेज का कुछ हिस्सा अपने वीडियो पे इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों अब हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम फेयर यूज के नाम से किसी का ऑडियो, वीडियो, इमेज का कुछ भी हिस्सा नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि यूरोप यूनियन का मानना है या फिर वहाँ के बड़े बड़े कंपनी या फिर वहाँ की जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका मानना है कि इसकी वजह से उन लोगों का बड़ा लॉस हो रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, यूरोप के पार्लियामेंट में अपील कर दी इस चीज़ को बंद करने के लिए, और वहाँ के पार्लियामेंट ने इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उसने क्या किया, एक वोटिंग किया। वोटिंग में वहाँ का यूरोप का यूनियन ने जीत गया है, और जिसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया को एक नोटिस आया है। जी हाँ दोस्तों, एक नोटिस आया है कि फेयर यूज बंद कीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मच गया है, तो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर ट्विटर या फिर कुछ भी, सब पे बवाल मच गया। तो सब लोगों ने क्या किया, पूरे जितने भी वर्ल्ड के सोशल मीडिया है उन लोगों ने फिर से अपील किया है यूरोप के पार्लियामेंट को कि इस पे फिर से विचार किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो यूरोप के पार्लियामेंट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और फिर से रीवोटिंग जनवरी 2019 को करने की डिक्लेरेशन दी है। अगर उस वोटिंग पे वो लोग फिर से जीत जाते हैं तो आप समझ पाते हैं क्या होगा, यानी कि हमारा चैनल डिलीट भी हो सकता है या फिर यूट्यूब हमें हमारे जितने भी वीडियो पे हमने फेयर यूज किया उसे बंद करने या फिर प्राइवेट या फिर डिलीट करने को बोल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आगे और कुछ न्यूज मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर क्रिएटर सतर्क हो सके और फेयर यूज ना करे, क्योंकि फेयर यूज के वजह से हमारा चैनल डिलीट भी हो सकता है या फिर यूट्यूब हमें हमारा वीडियो को प्राइवेट या फिर डिलीट करने को बोल सकता है, जिसको बनाने में हमने बहुत सारे मेहनत किए। मैंने आपने आपको जरूर पता होगा कि कितना मेहनत लगता है एक वीडियो बना के शूटिंग करके उसको अपलोड करने में। तो प्लीज़ फेयर यूज ना करें और सतर्क हो जाएं।